हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ ब्रेड का नाश्ता। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का ले लिया है, जितने भी हमें ज़रूरत होंगी। और सब्जियाँ देख लेते हैं हम। मैंने यहाँ फ्रोजन मटर लिया हुआ है थोड़ा सा, एक गाजर लिया है, शिमला मिर्च ली है, टमाटर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, पनीर लिया है और हरा धनिया लिया है। और यहाँ पर प्याज भी लूँगी, एक छोटा प्याज का ले लिया है। तो हम पनीर को, गाजर को कद्दूकस करेंगे और टमाटर वगैरह को बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे, बाकी सारी सब्जियों को। तो चलिए इतना काम कर लेते हैं। ये लीजिए, सब्जियां मैंने काट कर तैयार कर ली हैं। यहाँ पर पनीर को भी कद्दूकस कर लिया है, गाजर को भी और शिमला मिर्च को छोटा छोटा काट लिया है और मटर को भी भिगो दिया था। चलिए बनाना स्टार्ट। ले लिया है एक पैन, मसाला बना रहे हैं, बेसिकली एक भाजी बना रहे हैं, बहुत ही मस्त भाजी जिसको आप पाव के साथ भी खा सकते हैं। इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच। इसके गरम होते ही इसमें प्याज डाल देंगे और हरी मिर्च भी साथ ही साथ डाल देंगे। साथ ही साथ मटर भी डाल देते हैं तो अच्छे से गल जाएंगे। एक मिनट के लिए भून लेती हूँ, इसको धीमा कर लीजिए फ्लेम को थोड़ा सा। अब यहाँ डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ी सी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा बिल्कुल। साथ ही साथ नमक भी डाल लेते हैं। और मिक्स कर देते हैं। थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी लिया है, टमाटर भी डाल दूंगी यहीं पर। टमाटर ज़्यादा लग रहा था तो मैंने आधा ही रखा है। इसको मिक्स कर देती हूँ। इसको भी मीडियम फ्लेम तक गलाना है। अब यहीं पर गाजर और शिमला मिर्च भी डाल देंगे, क्योंकि ये सारी सब्जियाँ ऐसी हैं जिन्हें हम कच्ची भी खा सकते हैं, तो इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। पनीर को हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। इसको मिक्स करके पका लीजिए धीमी आँच में। आप चाहें तो इसको ढक भी सकते हैं। ये भाजी ऐसी है, इसको आप ब्रेड के बीच में भरकर भी बना सकते हैं, इसका सैंडविच भी बना सकते हैं, पाव भाजी के साथ भी खा सकते हैं, या आप टिफ़िन में भी इसको दे सकती हैं, सफ़र में भी ले जा सकती हैं। ये बहुत तरह से यूज हो सकती है, मल्टीपर्पज़ भाजी है और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा होती है ये। तो अभी ये सब्ज़ियाँ बिल्कुल ज़रा सी देर में ही गल जाएंगी, 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा इनको। आधा चम्मच में यहाँ पर ऑरिगेनो, ये मिक्स्ड हर्ब होते हैं, अगर आप घर पर पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो ये आपके पास होगा, अदरवाइज ये मार्केट में बहुत इजीली उपलब्ध है। तो मैं आधा चम्मच इसको भी डालूंगी लास्ट में। अब यहीं पर पनीर मिलाने जा रही हूँ। अगर पनीर ना हो तो सब्जियों के साथ भी इसको बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेते हैं सब्जियों के साथ। यहीं पर मैं इसमें टोमेटो ये सॉस या केचप डालूंगी 1 टेबल स्पून। इसको भी मिक्स कर दूंगी। ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। आप उनको पराठे या चपाती के साथ जितना मर्जी ये सारा कैप्सिकम, कैरेट्स और पनीर वगैरह डालकर आप बना सकती हैं और टिफिन में दे सकती हैं, वो मज़े से खाएंगे इसको। अब ये लगभग बनकर तैयार है। हरा धनिया डाल देती हूँ, ऑरिगेनो भी डाल देती हूँ यहीं पर और मिक्स कर देती हूँ। गैस तो कर दिया है ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। आप ये भाजी बनकर तैयार है, आप इसको भी अपने तरीके से खा सकते हैं, अदरवाइज जैसा कि मैंने बताया था हम ब्रेड में भरकर भी इसका नाश्ता भी बना सकते हैं। तो हम वैसे भी बना रहे हैं, पूरी पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। तो एक तरफ हमारा ये मसाला ठंडा हो चुका है। मैं यहाँ ब्रेड की 2 स्लाइस ले रही हूँ, आप इनके किनारे काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनके किनारे नहीं काट रही हूँ। इसको फिल कर दूँगी। चारों तरफ से या सिर्फ बीच में भी आप भर सकते हैं इसको, लाइक दिस। और इस तरह से साइड में से दबाने की कोशिश करिए। इसी तरह से सारे भरकर तैयार कर लीजिए। बेसिकली सैंडविच जैसा ये नाश्ता आपका बनकर तैयार होगा। बाकियों में भी मैं भर लेती हूँ।
ये मसाला जो है, जो हमने भाजी बनाई है, ये बहुत ही पावर पैक्ड है। नॉर्मली आलू से बनाते हैं, तो इस बार इस तरह से बनाकर देखिए। आलू सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और आजकल तो सर्दियों का सीज़न है, तो ये वाली सब्जियां भी इजीली अवेलेबल हैं। इसको भी इसी तरह से कर लूँगी। आप इसमें मेयोनीज़ वगैरह डाल सकते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं। तवा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ब्रश कर देंगे इस तरह से, और जो हमने सैंडविच बनाया था, थोड़ा सा ऑयल या घी इसमें भी ब्रश कर देंगे ऊपर से इस तरह से। और दोनों तरफ से पलट कर सेक लेते हैं। आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही ब्रश करना है। आप इसे पाव के साथ भी उसको सेक कर भी खा सकते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको बीच में से कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसके चार टुकड़े कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर इसके चार टुकड़े करूँगी। इसे खाने में भी आसान रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, इस तरह से बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और कमेंट में लिखकर हमें बताएं आपको कैसी लगी रेसिपी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।